आप दुनिया के किसी भी रास्ते से गुजर जाइए, आपको कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो अपनी मजबूरियों का वास्ता देकर आपसे आर्थिक मदद चाहते हैं। इनमें से कुछ तो वास्तव में अपनी मजबूरियों से मजबूर हैं, तो कुछ अपनी आदत से। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो देखने में तो इनके जैसे ही लगते हैं, पर उन्हें इनकी श्रेणी में रखना उनके साथ अन्याय होगा और हम उनके अपराधी। कॉलेज बंद होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बस के इंतजार में बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी एक आवाज हमारे कानों में गूंजी। भैया, जूतों पर पॉलिश कर दूं क्या? हमने देखा हमारे सामने लगभग 7-8 साल का लड़का खड़ा था, जिसके कंधे से एक फटा पुराना गंदा सा थैला लटका था। कमीज के एक दो बटन भी गायब थे और जो लगे भी थे उनका कमीज से कोई वास्ता नहीं था। कमीज और पैंट पर पड़ी सलवटें कपड़ों की वृद्धावस्था का प्रमाण दे रही थी। पैरों में जो चप्पलें थीं उनकी शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा अंतर था और दोनों ही अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। मेरे सभी दोस्तों के पॉलिश कराने से मना करने पर उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। उसकी आंखों में पानी तो था पर इतना नहीं कि छलक पाए। यह देखकर मैंने पूछा, आप कितना लेते हो पॉलिश करने का? उसने बड़े ही करुण स्वर में कहा, 5 रुपए भैया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 5 रुपए के आसपास की राशि वाला नोट तलाशने लगा। यूं तो पर्स में कई नोट थे पर खुले पैसे अक्सर जेब में यूं ही पड़े रहते थे। जब मैंने जेब से हाथ बाहर निकाला तो हाथ में 10 रुपए का नोट था, शायद जेब के किसी कोने में रहा होगा। मैंने 10 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि हमें पॉलिश नहीं करानी है, तुम ये ले सकते हो। लेकिन उसके स्वाभिमान ने इसकी अनुमति नहीं दी और आंखों के इशारे से उसने इस प्रकार से पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन मैंने दोबारा जोर देकर कहा, तुम ये रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत है। इस बार उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर भारी पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से पैसे ले लिए पर अब उसकी आंखों के पानी पर शर्म हावी हो रही थी, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके स्वाभिमान का कत्ल कर चुकी थी। शायद उसकी मजबूरी इतनी बड़ी न रही होती तो वो मुझसे कभी इस प्रकार से पैसे न लेता। शर्म इस हद तक थी कि उसके बाद वो पल भर भी वहां ठहर न सका। मेरे सभी दोस्त मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे और मैं उसे। उसकी शर्म से भरी आंखों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पलट कर मुझे देख सके। 7-8 साल का लड़का जो शायद पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, पर मुझे समझा गया कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक व्यक्ति के जीवन में क्या अर्थ है और उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। शायद अब उससे कभी मुलाकात हो भी तो मैं उसे पहचान ना सकूं, पर 2008 में हुई उससे वो पल भर की मुलाकात मुझे सारी उम्र याद रहेगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कुमार अखिलेश जी की लिखी लघु कथा वो पल भर की मुलाकात।
जो कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वास्तविक में घटित हुई थी। वैसे भी कहानियां केवल कल्पनाएं मात्र नहीं होती, कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं का कुछ न कुछ इंस्पिरेशन, कुछ न कुछ प्रेरक तत्व उनमें जरूर शामिल होता ही है। और ये कहानी जो कि हमें बताती है कि जीवन मूल्य केवल कुछ घरानों तक ही सीमित नहीं रहते, कुछ निश्चित कुल या लोगों तक ही उनका अधिकार नहीं है। स्वाभिमान या आत्मसम्मान जैसे जीवन मूल्य ये तो हर आत्मा में समाहित होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश। कभी कभी इंसान को उससे समझौता करना पड़ जाता है। हां, यह भी होता है कि सच्चे लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनका जिक्र कहानी के शुरू में किया गया कि वो आदत से मजबूर होते हैं। पर हां, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी परखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, किसी की आंखों में झांक लेना। खुद की सच्चाई पहले चाहिए और तब सामने वाले की सच्चाई भी समझ में आती है। शायद क्योंकि आंखों के पीछे आंखें खिड़कियां हैं ना आत्मा की, आंखों के पीछे आत्मा बसी होती है और आत्मा में ही वो सब गुण, शक्तियां, जीवन मूल्य सब समाहित रहते हैं और सबसे पहले आंखों से बाहर आते हैं। केवल मजे हुए एक्टर्स ही सच्चाई को छुपाने में कामयाब हो पाते हैं। और मजे हुए एक्टर्स केवल फिल्म या टीवी कलाकारों की बात नहीं है या आजकल दुनिया के किसी भी स्टेज पर किसी भी रोल में देखे और समझे जा सकते हैं। फिलहाल हम अगर अपने परखने की शक्ति को बढ़ाएंगे तो हमें शायद ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के वश अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, और उस समय मदद का हाथ बढ़ाना, क्योंकि मदद या सहयोग ये भी एक जीवन मूल्य है, वो हमारी आपकी अच्छाई को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है ये लघु कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक बटन दबा करके अपनी पसंद की जरूर जाहिर कीजिए। कोई गीत आपको इस कहानी पर सूट होता हुआ महसूस होता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके जीवन से रिलेटेड ऐसी कोई घटना हुई हो वो भी आप लिख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन लोगों तक भी कुछ अच्छे विचार, अच्छी बातें पहुँच सकें। बस यही एक प्रयास है। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।